अनुकूल गुण है उसको पकड़ना है, जो जो प्रतिकूल गुण है उनको छोड़ना है। एक खाना है, वो खाना है, वो शराब पीना, ये सब तो शरीर का विकार है, और झूठ बोलना और परहिंसा करना ये तो बुद्धि का विकार है, मन की विकार है। ये सब छोड़ के ही यज्ञ का फल मिल जाएगा। यदि इसके साथ कोई हवन करेगा उनको फल नहीं मिलेगा। इसको शास्त्र में बोलते हैं आकांक्षा भूमि। क्या बोलते हैं? आकांक्षा भूमि। आज हम एक यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ का फल ऊपर जाके एक भूमि में आपके लिए इंतजार करेगी, उसको आकांक्षा भूमि बोलते हैं। जब तक आप दिल बदल के शताब्दी नहीं बन गए तब तक वहाँ ही वो बैठेगा। धीरे धीरे आपके पास कुछ परिवर्तन होगा तो तब वो आके आपके पास, यदि आप जब शांति परम उपकार ऐसा सद्बुद्धि आ जाएगी तब वो यज्ञ का फल भी मिलकर आपको फल देगा। तब तक वो तो अस्थिर होगा, पत्थर जैसे वहाँ आपके लिए इंतजार में बैठेगा। वो इसके लिए आकांक्षा भूमि बोलते हैं। इसलिए जो यज्ञ करने वाले यज्ञ का जो यज्ञ धर्म यज्ञ मूर्ति का जो अनुकूल गुण है जिसके पास है उसको ही वो फल मिल रहा है। अरे हमको फल मिला कैसे मिला? अरे इसके पहले तुम आज जो शांति परोपकार गुण से पहले जन्म में जो जो किए उसका फल अभी मिल रहा है। ये तो इसका फल नहीं। यदि भगवान ऐसा पाप करने वाले को ऐसा दुख करने वाला है और क्षमा करने वाला है, जो क्षमा क्षमा से हमको पाप से विमुक्ति नहीं है, बुद्धि का परिवर्तन नहीं होगा, वो तो भगवान ही नहीं है। भगवान तो यदि हमको पाप हमारा पापों का कम करने वाला तो भगवान है और क्षमा करने वाला तो भगवान है। क्षमा से हमारा पाप तो कम हो जाना है, कम तो अभी तो पाप तो बढ़ जाती है, इसलिए वो पाप शक्ति जो बढ़ जाती है उससे हम जानना चाहिए कि भगवान हमसे बहुत दूर है। इसलिए शास्त्र में बोलते हैं आकांक्षा भूमि में जो अभी इंतजार में है वो फलभाग हम लेने के लिए अवश्य आपको गुणांग होना चाहिए। और ये सब तो नृत्य नाटक संगीत प्रवचन प्रसाद का विनियोग ये सब इसका विभाग अंग है। और शास्त्र में ये भी बताया जिसको वैदिकों के ऊपर भक्ति नहीं है, दिव्य क्षेत्रों के ऊपर भगवान की दिव्य सन्निधि में भक्ति नहीं है, गाय पशुओं के बाद भक्ति नहीं है उनके ऊपर, और वेदों के ऊपर भक्ति नहीं है तो पंच विभाग बोलते हैं, पूर्ण भक्ति होना चाहिए। अरे एक आदमी का आँख बहुत सुंदर है इसलिए वो अलग निकल के एक पेटी में रख के देख सकते हैं क्या? इसलिए पूर्ण रूप में होना चाहिए। यदि एक आदमी के पास आस्तिक्य है भक्ति है वो पूर्ण रूप होना चाहिए। पूर्ण भक्ति तो यज्ञों में भक्ति नहीं है, यज्ञ में भक्ति, पशु देहु में भक्ति, भगवान श्रुति का रूप में है, इसलिए श्रुति शास्त्र संप्रदाय में प्रतिपत्ति और भक्ति, और वैदिक ब्राह्मण लोग जो धर्माचारी लोग उनके ऊपर भक्ति, ये सब होना ही चाहिए। इसलिए वेद वैदिक देनु आलय क्रतु ये पांच विभाग में जिसको भक्ति है वो तो पूर्ण आस्तिक है। यदि एक के ऊपर भक्ति है दूसरे तीसरे चीजों में उनको अलक्ष्य भाव होता है वो तो आस्तिक वेश में नास्तिक है, उनको आस्तिक या नास्तिक बोलना चाहिए। शास्त्र में ऐसा ही उनका नामकरण किया है। इसलिए हमको ये पंच विभागों में वो होना चाहिए। इसलिए हम आजकल क्या करना चाहिए, प्रबंध सब लोग नित्य आराधन करना चाहिए, हवन उनकी शक्ति पर आधारित करना चाहिए। वो सब हम नहीं कर सकते, रोज बैठ के नहीं कर सकते, इसलिए जो करने वाले हैं उनके ऊपर सद्वारक पोषण कर सकते हैं। शास्त्र में बताते हैं सद्वारक पोषण, अरे तेरे गई में घर में 100-200 गाय रखे, गाय की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, फिर भी जो सुरक्षा करने वाले उनका सहाय करो। तुम वेद नहीं पढ़ सकते हो, जो वेद का छात्र लोग उनका पोषण करो, और जो ब्राह्मण लोग का उनका पोषण करो। तुम मंदिर नहीं बना सकते हो, जो मंदिर प्रतिष्ठित है वहाँ कुछ प्रवीण है, वहाँ कुछ तो अभी नयून्य है, उसके लिए तुम कुछ दान वगैरह वहाँ तो कर लो। इसलिए मंदिर पशु शास्त्र वैदिक क्रतु जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ हम करना चाहिए। इसलिए हमको शुभ व्रय होगा। क्या बोलते हैं? शुभ व्रय। यदि दिल से हम 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, फिर हंस के हम 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, फिर रो के 1000 रुपये आपका वैद्य को नहीं तो और किसी को देना ही चाहिए। इसलिए भाव प्रकर्ष से आप दिल से देने के लिए तैयार हैं, नहीं तो बलात्कार के लिए आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो आपके दिल के लिए हम छोड़ देते हैं। इसलिए सद्वारक रूप में जो जो कर रहे हैं उनको हम सहाय करना ही चाहिए। इसको 4 प्रकार का उपाय है। एक तो प्रबंध, जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ तुम सहाय करो, वो तो प्रबंध। और दूसरा तो परीक्षा, वो हवन कैसा करना चाहिए ये सब ये ग्रंथ का रूप में हाथ में रख के देखना चाहिए। वो तो हवनाचार्य ऐसा करते हैं नहीं, फिर क्या जानते हैं। एक दिन हम हवन में जितना करना चाहिए लगभग 200-300 अंगों का नाम मैंने पहला जो यज्ञ हुआ है वहाँ मैंने बताया विस्तार का रूप में। अभी तो ये सब रखे, यदि वो लोग परीक्षा करने के लिए कोई भी नहीं इसलिए वो तो संक्षिप्त रूप में करते हैं, कुछ ना कुछ करते चल जाते हैं, इसलिए वो परीक्षा करना चाहिए। और ये सब माहेश्वरी भवन ऐसा जो आस्तिक समाज है वो सब मिलके 10 या 15 जो छात्र लोग हैं मानवक लोग हैं छात्र लोग उनको विशेष प्रशिक्षण, अरे हवन से आप
फल लेना चाहते हैं, आपका अपाय के लिए उपाय का रूप में हवन से आप फल लेना चाहते हैं, और इसके लिए आप कुछ काम करना ही चाहिए। अरे फल मात्र हम लेना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करेंगे तो वो तो दुराभिप्राय है, तो वो तो नहीं होना चाहिए आपके पास। एक स्थल में 10-15 लोग 20 लोगों को छोटी उम्र में 7-8 उम्र में 10 साल का यज्ञ पद्धति में यज्ञ मीमांसा में उनको विलक्षण आचार्य और दीक्षित बनाने के लिए हम प्रशिक्षण वहाँ देना चाहिए, जिसमें विश्व कल्याण होगा। अभी तो ये तीसरा यज्ञ है और दंड का रूप में मैंने दिया, अनुग्रह निग्रह का रूप में मैंने ये दिया है और अभी कुछ संतुष्ट है, और इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें हम समझ के यज्ञ के बारे में बहुत समझ के प्रति एक यज्ञ में जब आते हैं तो वो सब हमारा परिणाम है। अभी ये यज्ञ आके आप सब दर्शन करके अभी चल जाते हैं, फिर दूसरा एक करने के समय में ये मध्यकाल में आपके अंदर जो परिणाम होना चाहिए, जिसमें आपकी रक्ति भक्ति शक्ति बुद्धि और युक्ति बढ़ जाएगी, जिससे आपको भी कल्याण और आपसे विश्व का कल्याण भी होगा। नारायण नारायण।